ग्वालियर में एक व्यवसायी को होटल किराए पर देकर पिता पुत्र ने 20 लाख रुपए की चपत लगवा दी। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र के होटल टूरिस्ट के है। घटना का पता उस समय चला जब करीब 25 लाख रुपए लगा देने के बाद पता चला कि उक्त होटल को तो किराए पर दिया ही नहीं जा सकता। इसका पता चलते ही पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नई सड़क निवासी अजित पुत्र सरफी लाल जैन व्यवसायी है। 2018 में उन्होंने अनुपम सिंगल व उनके बेटे केशव सिंगल से पड़ाव थाना क्षेत्र स्थित होटल टूरिस्ट का किरायनामा का अनुबंध कर 4.5 लाख रुपए दिए थे। 1.5 लाख रुपए प्रति माह किराए पर बात तय हुई। इसके बाद उन्होंने होटल में 10 से 12 लाख रुपए का काम कराने बाद 10 लाख रुपए का नया सामान भी खरीदा। उन्होंने होटल चालू किया था कि तभी बिजली का बिल जमा नहीं होने पर बिजली विभाग द्वारा लाइट कट करने पर काफी परेशान हुए। काफी समय तक होटल स्टार्ट ही नहीं हो सका। बार बार समस्या का समाधान करने के लिए पिता पुत्र को कई बार कहा लेकिन उनके द्वारा कोई मदद नहीं की गई। इसी बीच अजीत जैन को पता चला कि जिस होटल को उन्होंने किराए पर लिया है उसका नगर निगम से अनुबंध है कि इसे न तो किसी को किराए पर दे सकते हैं और न ही इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है। इस पर जैन होटल मालिक के पास पहुंचे और पैसे वापस मांगे। उन्होंने रुपये वापस करने से इनकार कर दिया। अब मामला थाने पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ फैमिली।